हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टेक विजन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिसका नाम है चिंगारी। टिकटॉक को टक्कर दे रहा है भारत का ये ऐप चिंगारी। इसके 25 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। भारत और चीन सीमा पर पैदा हुए तनाव की स्थिति और भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और ऐप्स का बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। इस बीच चाइनीज ऐप टिकटॉक को भारत ने बना दिया है। इसका नाम है चिंगारी। इस ऐप को सभी प्लेटफॉर्म से कुछ 25 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक दुनिया भर में पॉपुलर हैं, लेकिन भारत में चीन सीमा पर हुए तनाव के बाद लोग चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। इस बीच टिकटॉक जैसे फीचर्स ऑफर करने वाला मेड इन इंडिया ऐप तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और इसे 25 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। यूज़र्स टिकटॉक को चिंगारी ऐप से रिप्लेस कर रहे हैं और देखते ही देखते ऐप ट्रेंडिंग चार्ट्स में पहुंच चुका है। हम इस ऐप के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। टिकटॉक की देसी चॉइस बन चुके इस ऐप की छत्तीसगढ़ के IT प्रोफेशनल के साथ मिलकर ओडिशा और कर्नाटक के डेवलपर्स ने किया गया है। भिलाई में रहने वाले चिंगारी ऐप के चीफ ऑफ प्रोडक्ट सुमित घोष ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि इस ऐप को डेवलप करने में उन्हें करीब 2 साल तक का वक्त लगा। उनकी माने तो इस ऐप को खास तौर पर भारतीय यूजर्स की ज़रूरतों और पसंद को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। चिंगारी ऐप को नवंबर 2018 में गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था। हालांकि अब भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और ऐप्स के बॉयकॉट की मांग तेज़ी से होने के बारे में सोशल मीडिया पर आई ऐसी ट्रेंड के बाद ऐप के डाउनलोड तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सुमित ने कहा, हमें भारतीय यूजर्स से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है और हाल ही में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि इस ऐप को कुल 25 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। खास बात यह है कि इस फ्री ऐप्स के टॉप चार्ट में जगह बन चुका है। ओडिशा के विश्वात्मा नायक और कर्नाटक के सिद्धार्थ गौतम ने इस ऐप को डेवलप किया है। सुमित ने कहा, भारत में तैयार किया गया यह सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक ऐप को सीधी टक्कर दे रहा है। इस ऐप में मिलने वाले शानदार फीचर्स के अलावा इसमें कई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें उड़िया, गुजराती और मराठी जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। ऐप में ट्रेंडिंग न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, फनी वीडियोस, वीडियो सॉन्ग्स और लव कोड्स जैसे कई फीचर दिए गए हैं। ऐप बहुत ही सिंपल है। गैजेट्स नाउ हिंदी ने भी चिंगारी ऐप को इंस्टॉल और यूज़ करके देखा। पहली बार ओपन करते ही ऐप यूजर्स को 11 भाषाओं में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन देता है। इसमें वीडियो, समाचार और गेम जोन नाम के 3 अलग अलग टैब दिए गए हैं। इसके अलावा वीडियो फीड दिखता है जिसमें आप बिना लॉग इन किए भी वीडियो देख सकते हैं। राइट स्वाइप करने पर यूजर्स को बाकी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐप में रजिस्टर और लॉग इन करके यूजर्स को रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो यही थे इस चिंगारी ऐप के बारे में थोड़ी सी बातें। आपको अगर ये चिंगारी ऐप डाउनलोड करना है तो आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर जाके मिलेगा। इसके 25 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही मुझे आज के वीडियो में बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।